उस पर आज मैं झुकेगा नहीं। चेन्नई दक्षिण भारत का प्राथमिक और वास्तविक प्रवेश द्वार। 2015 में दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में 43वां और 2019 में 36वां स्थान दखल किया हुआ था। पर्यटक आने का जो मेन रीजन है, यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज, वाणिज्यिक सुविधाओं, हिस्टोरिक प्लेसेस और यहाँ का वैराइटीज ऑफ टेस्ट। इन 2015 नेशनल जियोग्राफी चैनल शहर का नाम टॉप 10 फूड सिटीज में शामिल किया था, पूरा साउथ एशिया। 2015 में हम चेन्नई शहर का कुछ ऐसी जगह पे विजिट करेंगे जिसके लिए चेन्नई इतना मशहूर है। तो बिना स्किप करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज डे टू है, अभी सुबह की बज रहा है 7:15। लोग अभी मरीना बीच पे जाएंगे। आज का प्लान है कि वह घूमेंगे मरीना बीच और उसके बगल में ही है चर्च, चर्च में घूमेंगे और लाइट हाउस जाएंगे। मरीना बीच में जाने से पहले हम समुंदर के किनारे पहले पेट पूजा करने के लिए रुके। ड्रमस्टिक सूप है, तालान सूप है, मिर्ची सूप है। कौन-कौन है बोलो। अच्छा वाला जो सूप है वो दीजिए। अगर आपको दूसरे का बात कुछ समझ ना आए तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, यू विल नेवर रिग्रेट। हमारा ब्रेकफास्ट है, पता नहीं टेस्ट कैसा है, खाके बोलती हूँ आपको। बादाम है, छोले है। सुबह का मॉर्निंग वॉक वाला रास्ता ये खाके दौड़ने के लिए जाएंगे। चिकन सूप टाइप का है। इसके बाद हम लोग ट्राई किए थे पनियार। ठीक है, ये तीखा वाला है, खट्टा वाला, अरे मीठा वाला है बोल रहा था। पेट पूजा करने के बाद हम लोग गए थे समुंदर में। हम लोग आ गए हैं मरीना बीच पे। बीच इतना लंबा है, बहुत और राई के जूते में अगर बाली घुस जाएगा तो पैर ऐसे उठा के रख लेगी वो और चलेगी ही नहीं। इट इज इंडिया लॉन्गेस्ट बीच। इसका लंबाई 13 किलोमीटर, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, पैर को तो समुंदर में लगाना है ना, इसीलिए आए। बीच में हुआ ये, वाटरप्रूफ केस के बिना ही कैमरा को रख दिया था।
ज्यादा नुकसान नहीं आया, इस बार के लिए बच गया। समुंदर को टाटा बोलते हुए हम विजिट किए थे वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक प्लेस इन इंडिया जो चेन्नई में स्थित है। अभी हम लोग जहाँ पे है वो चेन्नई का दूसरा हिस्टोरिक प्लेस है। ये जो चर्च मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सेंट थॉमस कैथेड्रल ब्रेसिली का नाम से जाना जाता है। इस चर्च को 1523 में पोर्तुगीज जब इंडिया में आए थे वो लोग ये चर्च को बनाए थे थॉमस द एपोस्टल के कबर के ऊपर में। ब्रिटिश जब इंडिया में आए 1896 में इसको दोबारा बनाया। ये चर्च दुनिया में तीसरा ऐसा चर्च है जो जीसस के एपोस्टल के ऊपर बनाया गया था और अभी भी ये खड़ा है। तो ऐसा दुनिया में खाली तीन चर्च ही है, एक अपना चेन्नई में है, दूसरा है सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में और तीसरा है सैंटियागो दी कैथेड्रल इन गालिसिया स्पेन। चर्च का अंदर का खूबसूरती बाहर से कई गुना ज्यादा था। हम लोग अभी आए हैं लाइट हाउस, लाइट हाउस ईयर ऑफ 1796 ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था ये लाइट हाउस। वर्तमान ये जो लाइट हाउस आप देख रहे हैं ये चेन्नई का फोर्थ लाइट हाउस है जो 1977 में बनाया गया था। यहाँ का जो व्यू देख रही हूँ वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना अच्छा लग रहा है। तो आ जाइए, आ जाइए आ जाइए, मतलब क्या ही बताऊं। मतलब पूरा दिन देखता रहे वो भी आपका खत्म नहीं होगा, आंख नहीं भरेगा। और मेरा भी वैसे भी ऐसा
बार डाइव्यू मेरा फर्स्ट टाइम, तो मुझे तो और भी अच्छा लगा। तो अभी लाइट हाउस घूमना हो गया, अभी जाएंगे रूम पे। रूम अभी टाइम हुआ है 11 बजे, हम लोगों का चेकआउट टाइम है 12 बजे, तो एक घंटे में रूम को छोड़ना पड़ेगा। तो चेकआउट करने के लिए अभी रूम पे जाएंगे। रूम से चेकआउट करने के बाद हम लंच करने के लिए गए थे फिर से मरीना बीच पे, सुंदरी अक्का कढ़ाई पे। आए हैं एक फेमस दुकान यहाँ पे, सुंदरी अक्का कढ़ाई बोल के फिश ट्राई करें। अलग टाइप का स्वाद है हमारे, हम अलग टाइप का टेस्ट है हमारा। यहाँ पे जैसा कढ़ी बनाता है वैसा कढ़ी। ये तो बोलने का जरूरत नहीं है। चेन्नई में अगर आएंगे तो यहाँ पे जरूर आइए, ये जगह मस्ट विजिट प्लेस है अगर आपको हमारी तरह मछली पसंद है तो। नया शहर पे अगर आप स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो हर मोड़ पे आपको ऐसे ही रुक जाना पड़ेगा और गूगल मैप चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं सोमजी पोंगा बोटानिकल गार्डन में, बहुत अच्छा लगा है। 24 नवंबर 2010 में ये बोटानिकल गार्डन ओपन हुआ था तत्कालीन चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि के द्वारा। हम अभी आए हैं बोटानिकल गार्डन, तो हम एक बड़ा सा पेड़ देख के उसके नीचे बैठे हैं। बहुत हवा चल रहा है, बहुत आराम लग रहा है, और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर हम लोग स्टेशन चला जाएंगे, क्योंकि हमारा 4:45 को हमारा ट्रेन है चेन्नई से। चेन्नई में है और चेन्नई में उदार जगह मिलना बहुत कठिन बात है। यहीं पे थोड़ा बैठ के ही जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे बैठते हैं कुछ देर, निकलने के बाद आप लोगों से बात करते हैं। स्टेशन में टोटल 20 एकड़ एरिया को लेके ये बोटानिकल गार्डन को बनाने के लिए 8 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। मम्मा दुष्टुमि করছে। फ्रेंड्स, अभी स्टेशन में आ गए हम लोग चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में। अभी टाइम है 4:25 को, तो हमारा ट्रेन अभी छोड़ेगा थोड़ी देर बाद। 4:45 को हम लोगों का ट्रेन का टाइम है, तो अभी चलते हैं। ले लो, ट्रिप तो बहुत अच्छा ही रहा, मज़ेदार ही रहा, मज़ा आया ट्रिप में। मूवी देख के भी मज़ा आया, लाइट हाउस का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था।
मेरा जिंदगी में फर्स्ट टाइम था। आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों को कौन सा वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ जो है चेन्नई में, आप उसको देख के भी आप लोग समझ सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम के टाइम में ठीक है, लेकिन सुबह और दोपहर को तो बहुत गर्म है। इस टाइम में छाव के नीचे बैठना ही सही है। तो चलिए अभी मिलते हैं। हम लोग अभी स्टेशन में पहुंचे, अभी टाइम हुआ है 8 बजे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हाँ, फिर प्लीज इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।